हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर महासंकट के बीच जो बाइडेन ने अफगानिस्तान को लेकर बड़ी बात कह दी है। दोस्तों कहा, अपनी लड़ाई खुद लड़े अफगानिस्तान, अमेरिका किसी भी तरह की मदद नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, दोस्तों बताएंगे, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर लौटने वाला है तालिबान का राज, ऐसा खुद अमेरिका ने माना, तालिबान को रोकना मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, और 3 महीने के अंदर कर सकता है काबुल शहर पर कब्जा। जी हाँ दोस्तों, खुद अमेरिका ने यह बड़ी बात कह दी है, बड़ी जानकारी देंगे दोस्तों इसको लेकर आपके सामने। साथ ही बताएंगे जहां पर अफगानी सेना प्रमुख वली मोहम्मद अहमद जई की छुट्टी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इनको बर्खास्त कर दिया गया है, इसके बदले इन नए चीफ को रखा गया है। दोस्तों अब तालिबान को लेकर बड़ा अभियान चलाया जाएगा, बताएंगे दोस्तों कौन होने वाला है अब नया मेजर चीफ, बताएंगे। साथ ही अगली खबर में जहां अफगानिस्तान के बुरे हालात, तालिबान ने कब्जा है 3 और शहर, बताएंगे कौन कौन से शहर। साथ ही क्रिकेटर राशिद खान ने दुनिया से मांगी है इसको लेकर मदद। जी हां दोस्तों, उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर इमरान खान का छल का दर्द। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में आतंक हिंसा के बीच इन लोगों का आना बंद हो गया, जिसके बाद रोता बिलखता पाकिस्तानी प्रधानमंत्री देखने को मिला है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मुद्दा। साथ ही हिमाचल किन्नौर में बड़े हादसे के बीच मोदी जी और अमित शाह ने ट्वीट करके कौन से बात ही कही है दोस्तों, इनको लेकर सब बताएंगे, तो बन रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, साथ ही भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका ने कहा अपनी लड़ाई खुद लड़े अफगानिस्तान, अमेरिका ने किसी भी तरह की मदद से कर दिया है अफगानिस्तान को इनकार। जी हां दोस्तों बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते हमले के कारण स्थिति खतरनाक होती जा रही है, यहां के नागरिकों में दहशत का माहौल है, ऐसे में अफगानिस्तान को अमेरिका से मदद की सबसे अधिक उम्मीद थी, लेकिन अब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया है। दोस्तों दरअसल जो बाइडेन अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर तालिबान के बढ़ते नियंत्रण के बावजूद अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की स्वदेश वापसी के फैसले पर अड़ी है और वे इसमें किसी भी तरह के बदलाव के मूड में नहीं है। दोस्तों व्हाइट हाउस के अनुसार राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 11 सितंबर तक अफगानिस्तान के युद्धग्रस्त क्षेत्र से अपने सभी बचे सैनिकों को वापस बुलाने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि अब तक 90% से अधिक अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही जो बाइडेन ने अपने इस फैसले पर कहा है कि देखिए, हमने 20 वर्षों में $1 trillion से अधिक खर्च किए हैं, हमने 300,000 से अधिक अफगानी बलों को प्रशिक्षित और सुसज्जित किया है, हमने हजारों अमेरिकी सैनिकों को खो दिए हैं, अफगानिस्तान को अब अपने देश के लिए खुद लड़ना होगा और इसके लिए अफगान नेताओं को एक साथ आना होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका ने पूरी तरह से हथियार डाल दिए हैं दोस्तों और साफ कह दिया है कि कोई मदद नहीं की जाएगी अब अफगानिस्तान की। ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, इस संकट की घड़ी में अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए सारे देशों को मिलकर, हाँ या ना, बताइएगा जरूर। क्या भारत को भी आगे आना चाहिए दोस्तों, बताइएगा कमेंट में लिखकर, देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही अगली खबर की बात करें तो लौटने वाला है तालिबान का राज, अमेरिका ने माना तालिबान को अब रोकना मुश्किल, 3 महीने में कर सकता है काबुल पर भी कब्जा। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान तेजी से पैर पसार रहा है और इसको देखते हुए अमेरिका ने आशंका जताई है कि विद्रोही संगठन 1 से 3 महीने में राजधानी काबुल पर कब्जा कर सकता है। ये अमेरिकी इंटेलिजेंस की ओर से पहले लगाए गए अनुमानों से काफी पहले हो सकता है, अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट ने बुधवार को ये खबर दी है। जी हाँ दोस्तों, अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में जून के मुकाबले स्थिति काफी बदतर हो गई है। दोस्तों जून में अमेरिकी इंटेलिजेंस ने अनुमान लगाया था कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के 6 से 12 महीनों के बाद तालिबान का काबुल पर नियंत्रण हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो अफगान सेना प्रमुख वली मोहम्मद अहमद जई की छुट्टी कर दी गई है दोस्तों, जिसके बाद मेजर जनरल हेबतुल्ला अली जई होंगे अब नए चीफ। बता दें अफगानिस्तान सरकार ने सेना प्रमुख वली मोहम्मद अहमद जई को बर्खास्त कर दिया है। दोस्तों मेजर जनरल हेबतुल्ला अली जई नए सेना प्रमुख बनाए गए हैं। अहमद जई को ऐसे वक्त में हटाया गया है जब तालिबान ने 9 प्रदेश की राजधानियों
पर कब्जा कर लिया है और रिपोर्ट्स बताती है कि कम से कम 12 प्रदेश की राजधानियों को तालिबान से सीधे तौर पर खतरा है। हेरात और कंधार जैसे बड़े शहरों के साथ ही कई जिलों में अफगान सेना और तालिबान आमने सामने है। जी हाँ दोस्तों, अफगानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशंस कमांड का नेतृत्व करने वाले मेजर जनरल हैबतुल्ला अली जई नए सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद अहमद जई हाल ही में 19 जून 2021 को सेना प्रमुख बनाए गए थे। माने अहमद जई का कार्यकाल 2 महीने का भी नहीं रहा। ऐसे में दोस्तों कोई ना कोई बड़ा शक इनको लेकर जरूर हुआ है तालिबान की मदद को लेकर। क्या लगता है दोस्तों आपको, और इस नए चीफ को बनाने के पीछे यही मोटिव है अफगानिस्तान का कि कहीं ना कहीं तालिबान का खात्मा होने वाला है? दोस्तों अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही अगली खबर की बात करें तो तालिबान ने और कब्जाएं 3 शहर के बाद क्रिकेटर राशिद ने दुनिया से मांगी है मदद। जी हां दोस्तों, बता दें एजेंसियों के मुताबिक मंगलवार को ही 3 बड़े शहर तालिबान के कब्जे में आ गए हैं। दोस्तों इनमें ताजा नाम पुल ई खुमरी, फैजाबाद, फराह का जुड़ा हुआ है। इसी सब के बीच बुधवार को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी मजार शरीफ का दौरा कर रहे हैं। दोस्तों यहां पर राष्ट्रपति को सेना के अधिकारियों से मुलाकात करनी है जो यहां से तालिबान के लड़ाकों का मुकाबला कर रहे हैं। काबुल के बाद अब मजार शरीफ ही कुछ ऐसे शहरों में से है जो अब भी अफगानी सरकार के कब्जे में है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मजार शरीफ से बीते दिन ही भारत सरकार द्वारा अपने नागरिकों, कॉन्सुलेट में कार्यरत अधिकारियों, स्टाफ को वापस अपने मुल्क बुला लिया है। दोस्तों मंगलवार शाम को स्पेशल फ्लाइट के जरिए लोगों को मजार शरीफ से वापस भारत लाया गया है। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने भी अपने देश की बुरी स्थिति होती देख दुनिया से मदद की अपील की है। दोस्तों राशिद खान ने मंगलवार को ट्विटर पर लिखा है कि प्रिय वर्ल्ड लीडर, मेरा देश इस वक्त मुश्किल में है। हजारों निर्दोष बच्चे, महिलाएं, लोग शहीद हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहा है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि हमें ऐसे संकट में छोड़कर ना जाएं, हम शांति चाहते हैं, अफगानियों की मौत होने से बचाइए। बता दें कि राशिद खान अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं जो भारत समेत दुनिया के सभी क्रिकेटिंग नेशन में भी काफी मशहूर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आप इनके दर्द से समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि क्या स्थिति अभी की होगी अफगानिस्तान में, और तालिबान जिस प्रकार से कब्जों पर कब्जा किया जा रहा है दोस्तों, और वहां के निर्दोष नागरिकों को, महिलाओं को मारा जा रहा है दोस्तों। ऐसे में ये पूरे विश्व के लिए मानवता के खिलाफ है दोस्तों। आज अफगानिस्तान में हो रहा है, कल किसी और देश में होगा। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि सभी देशों को एक साथ मिलकर के तालिबान का खात्मा अवश्य ही करना चाहिए तो राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि सबके पास ये वीडियो जाए, सबको पता चले कि क्या स्थिति है तालिबान की, ताकि वो भी कमेंट करके बताएं और देश की आवाज दूसरे देशों तक पहुंचाएं कमेंट के माध्यम से। जी हां दोस्तों, तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो पाकिस्तान में आतंक हिंसा के बीच पर्यटकों का आना बंद हो गया, जिसके बाद इमरान खान का छलका दर्द, साथ ही पर्यटन उद्योग को लेकर कह दी ये बात। बता दे पाकिस्तान में आतंकियों की मौजूदगी की इस बात सारी दुनिया को मालूम है। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाले बम धमाकों के चलते पड़ोसी मुल्क पर्यटन के लिहाज से असुरक्षित हैं दोस्तों। तो वहीं वजह ये भी है कि जहां दुनिया भर से पर्यटक घूमने के लिए भारत का रुख करते हैं, तो वहीं पाकिस्तान की ओर कोई मुड़कर भी नहीं देखता। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पर्यटन को लेकर दर्द ये छलक उठा है दोस्तों, और उन्होंने देश में पर्यटन बढ़ाने के लिए मुस्लिम देशों की ओर देखने को कहा है। बता दें इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान में इस्लामी देशों यानी मुस्लिम कंट्रीज के पर्यटकों को आकर्षित करने की काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि यूरोप जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर मुस्लिम विरोधी रुख बढ़ रहा है। कराची की एक दिवसीय यात्रा के दौरान एक समारोह को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि सरकार की योजना ऐसे रिसोर्ट बनाने की है जो इस्लामी देशों के पर्यटकों को आकर्षित करती है। जी हां दोस्तों, ऐसे में इन्होंने रोते बिलखते हुए अपना दर्द बताया है दोस्तों, और पर्यटकों से एक भी मुनाफा इनको नहीं मिलने वाला। ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं आतंकियों को खत्म करो तभी पर्यटन टूरिस्टर आपके यहां जाएंगे दोस्तों, ये बात जरूर बता दीजिएगा। इमरान खान को अगली खबर की बात करें तो हिमाचल के किन्नौर में बड़ा हादसा, भूस्खलन में दबे बस में सवार 60 लोग, मदद को पहुंच रही है सेना और NDRF की टीमें। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक बार फिर से भूस्खलन की घटना से कोहराम मच गया है दोस्तों। बुधवार को हुए भयानक भूस्खलन में 50 से 60 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है।
डिप्टी कमिश्नर सादिक हुसैन ने इसकी जानकारी दी है। विधानसभा सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने भी घटना की पुष्टि की है। एक महीने से भी कम समय में किन्नौर में भूस्खलन की यह दूसरी बड़ी घटना है। दोस्तों, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भूस्खलन के मलबे में 50 से 60 लोगों के दबने की आशंका है। बचाव अभियान के तहत अब तक बस के ड्राइवर और कंडक्टर समेत 4 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है। फिलहाल भारतीय सेना, ITBP, NDRF और पुलिस की टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं। अब भी थोड़ा बहुत भूस्खलन हो रहा है, लेकिन इस बीच बचाव अभियान जारी है। दोस्तों, इन सभी के अच्छे हेल्थ की अगर आप कामना करते हैं तो कमेंट सेक्शन में गेट वेल सून ऑल सिटीजन जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, जो इन मलबे में दबे हैं। साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है जहां पर नया नियम लागू कर दिया गया है एटीएम को लेकर। जी हां दोस्तों, अगर एटीएम में अब कैश खत्म हो गया तो बैंक देगा 10,000 रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर, एटीएम में पर्याप्त कैश ना रखना बैंकों को भारी पड़ सकता है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम में कैश खत्म होने के मामले में बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। ये व्यवस्था 1 अक्टूबर से शुरू होगी। केंद्रीय बैंक ने एटीएम में कैश उपलब्ध ना होने के कारण लोगों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए ये कदम उठाया है। जी हां दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर थी। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूं बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।